ट्रिपल तलाक बिल पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के जाग के पास सिग्नेचर हो जाने के बाद वह कानून लागू हो जाएगा हमारे देश में। और एक बड़ी जो पिछले कई सालों से दशकों से चली आ रही थी वह खत्म होकर अब एक सिविल कोड लागू हो जाएगा, एक देश एक कानून। तो हमारे साथ इस वक्त फराना खातून जी हैं जिनसे कि हम जानेंगे कि ये जो ट्रिपल तलाक की जो खत्म कर दी गई और इससे कितनी ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं अब अपने आप को समझ सकती हैं। जी, मैं तो सबसे पहले आप तमाम मीडिया वाले को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी से लेके प्रधानमंत्री तक जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इसलिए कि जो महिलाएं आज तक अपने आप को बहुत कमज़ोर, बेसहाई, मजबूर समझती थी, यानी वो पैदा होने के बाद शादी करने से भी डरती थी कि अब 15-18 साल की हो गई, पता नहीं फिर हमको पिताजी वैसा जगह डाल देंगे कि हर दिन हमको दहशत के माहौल में हमको जीना पड़ेगा, यानी खुशी का माहौल उसको मिलती नहीं थी। पर अब अगर शादी महिला करती हैं, लड़कियां करती हैं शादी, तो अब उनको एक ताकत रूप पर एक ये बिल पास हुआ है कि महिलाएं अब शादी करने से डरेगी नहीं और एक अपने आप में जैसे लग रहा है कि हम लोग को एक कुछ बहुत बड़ा पावर हम लोग को यानी मिला है हमारे PM जी के जरिए। और जिस तरह से महिलाएँ यानी तलाक होने के बाद हमारी बच्चियाँ बहुत सारी ऐसा होता था कि उसके ज़िंदगी में एक अंधेरा छा जाता था कि अब हमको तलाक हो गया, अब हमारा कोई नहीं है, अब हम तो बेसहारे हो गए, अब हम क्या करें। बहुत सारी ऐसी नादानी में खुदकशी कर लेती थी बच्चियां और बहुत सारे उनके पिताजी भी उनके साथ साथ खुदकशी कर लेते थे। हम लोग जब क्षेत्र में काम करते हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो मैं जब देखती थी तो बहुत अफसोस लगता था कि मैं इस बिल को कैसे इस तरह से ये करें। मेरा सदियों से ये मेरा उन लोगों को इंसाफ दिलाने का ये कोशिश मेरी थी जो मैं आज सफलता मुझे मिला है, इसके लिए मैं तो जितना भी शुक्रिया अदा करूं मैं अपने PM जी को। फरहाना जी, ये तो आप लोगों की आप बीती है कहानी है, आप लोगों को न्याय मिला, लेकिन आप लोगों के पुरुष में ये कहना कि ये शरिया कानून का उल्लंघन है, ये हम लोगों का जो चल आ रहा था हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो इन पर आप लोगों का क्या एजेंडा रहेगा? जी, शरिया कानून की बात जो बोलते हैं हमारे मौलाना या जो हमारे हमारे मजहब का जो गुरु हैं, ये लोग अगर बोलते हैं तो ये लोग कुरान उठा के पहले देखें कि कुरान में अगर देखा जाए तो तलाक का सबसे बड़ा निंदा बोला गया है कि तलाक उसको होता है जो बिल्कुल नासमझ होती हैं लड़कियां, और उसका एक नियम बनाया गया था कि एक तलाक देने के बाद 3 महीना तक आप उस लड़की का उम्मीद आप रखें कि वो लड़की अगर सुधर जाती है तो दोबारा आप तलाक ना दें, अगर नहीं सुधरती है तब दूसरा तलाक आप दे सकते हैं। पर यहाँ पर तो हमारे मौलाना साहब ये जो हकीकत कुरान में है लिखा हुआ वो चीज़ नहीं बताते थे, और ये लोग बताते थे सिर्फ अपना एक स्वार्थी ज़िंदगी जिसको बोला जाता है हलाला वाला, जो ये होता था कि अगर लड़की का नई बच्ची है और खूबसूरत बच्ची है, नई बच्ची है, उसको तलाक हो जाता है तो हम हलाला के तौर पर उसको निकाह कर लेते हैं, रखेंगे 3 महीना और उसके बाद फिर उसको शादी करा देंगे, यानी एक रिवाज ये लोग गलत सलत रिवाज बनाए हुए थे जो गलत सलत रिवाज से आज हम लोग मुक्ति पा लिए। मेरे पास ये केस कई जगह से आया था, सऊदी अरब में एक काम करते थे हम कुछ हमारे ही लोग और रहने वाले जो थे महक है आपका धनबाद जिले का, उनके केस मेरे पास आया है, नाम नहीं बताने चाहूँगी, हो सके अगर वो TV देखेंगे तो उनको कुछ ये लगेगा कि मेरा बारे में ये बताया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि वो जैसे तलाक दे दिए, उनके 3 बच्चे थे, तलाक दे देने के बाद में फिर वो मेरे पास आए कि देखिए ना मैडम, किसी तरह से हमको निकाह दोबारा करा दीजिए, और दोबारा कराने के बाद में वो किसी ट्यूशन पढ़ाने वाले आदमी के साथ में निकाह करा दिए। अब वो आदमी क्या किया कि सऊदी अरब से उठा के ले आया यहाँ आपका धनबाद, अब वो कहते हैं कि हमको किसी तरह से उसे तलाक दिलवा के हमारे बच्चे और हमारी वाइफ को दिला दीजिए। तो मैं इसके लिए लड़ाई लड़ी तो इसमें हमारे पार्टी पूरा साथ दिए, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि आप लोगों को अब तक
दबाया जाता था आपकी आवाज़ों को, आप लोगों को खुलकर सामने नहीं आया जाता था, जो कि मोदी सरकार में, भाजपा की सरकार में आप लोगों को ये बड़ा न्याय मिला है। और आप लोगों का जो ये मुद्दा 85 से चला आ रहा था, शाहबानों ने किया था, सदियों से चला आ रहा था, अब तक जो परंपरा लोग परंपरा बना लिया था, सदियों से चला आ रहा था इसको परंपरा, ये मौलाना के जरिए ये लोग परंपरा बना लिए थे। कहीं ना कहीं अब भी वो चाह रहे हैं कि इसे ढांढस बनाए और इस कानून को चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब आप लोगों को न्याय मिल चुका है और जरूर आगे कुछ अच्छा ही होना चाहिए। जी अभी भी बहुत अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। और इस ये लोग अब ढकोसलापना, अब लड़कियां भी समझ गई हैं और आपका जो जनरेशन लड़का लोग भी समझ लिए हैं कि ये जो लड़की के साथ सताया जाता था अब ये गलत होता था, इसीलिए अभी के लड़का लोग भी समझदार है, अब लड़का लोग भी इस तरह का नहीं करेंगे। और अगर करते हैं कुछ, हम लोग के पास केस आते ही है, अगर करते हैं तो वही है कि उनके सारे जजात के साथ साथ 3 साल का जेल उनको जाना पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर आप औरत की दुश्मन औरत होती थी, अक्सर लड़की को बच्ची को तो लोग शादी करके ले आता था, लेकिन वो सास जो है वो अपने आप को एक यानी वो उसके साथ मिलाव मेल मिलाव नहीं कर पाती थी और वो बेटा को उलट पुलट बहका के भी इस तरह करवाती थी, या बेटा को कहीं और भी अफेयर चल रहा था तो ठीक है हम शादी नाम के लिए कर लो। तो मतलब एक अजीब जीवन था लोगों का, एक अजीब खासतौर से मुस्लिम लड़कियां का जिंदगी। तो अब ये देश एक कानून एक देश की ओर बदल रहा है, सब अब इस चीज को मानेंगे और ये एक बड़ा न्याय का दिन करना होगा, इसलिए कि ये कोई गलत कानून नहीं है, ये सही कानून बना है। तो कहीं ना कहीं ये कानून बिल्कुल सही है। हमारे साथ फराना खातून जी थी, एनजीओ चलाती है और इनका साफ कहना है कि अब तक जो महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता था, वह अब दबाया नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी कारण से मौलानाए हो या कोई भी कारण खोजे, कोई भी ढांढस बताए, जो ट्रिपल तलाक की ओर सोचेंगे उनके लिए सख्त कानून बनाया गया है और अब इस ट्रिपल तलाक को देने से लाख बार घबराएंगे। रांची से सनमार्क लाइव के लिए कौशल कुमार।